लिबर ऑफिस राइटर के कई कॉलम्स में सूचना पत्र बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस राइटर में सूचना पत्रों को कैसे बनाएं और कुछ कार्य जो उन पर कर सकते हैं कैसे करें। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जेएनयू लिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। सूचना पत्र एक प्रकाशन की तरह उपयोगित है जिसे उनके ग्राहकों को समय के नियमित अंतराल पर प्रचारित किया जाता है, उदाहरणस्वरूप नियतकालिक पत्रिका, प्रचार पुस्तिका और बहुत कुछ। इसमें भागों के रूप में कई कॉलम्स होते हैं और इन भागों में विभिन्न लेखों पर जाना पाठक के लिए सरल बनाता है। लिबर ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करके कोई भी सूचना पत्र बना सकता है जो लेखों का पढ़ना काफी सरल और तेज बनाता है। फाइल, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को न्यूज़लेटर फाइल नाम से सेव करें। अतः हमारे पास न्यूज़लेटर नामक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अब अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स प्रविष्ट करें। यह करने के लिए पहले मेन्यू बार में फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें और फिर कॉलम्स पर क्लिक करें। विभिन्न ऑप्शंस के साथ एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। जितने कॉलम्स आपको चाहिए वह चुनें। इन कॉलम्स की विड्थ एंड स्पेसिंग निर्धारित करते हैं, साथ ही सेपरेटर लाइन की विभिन्न विशेषताएं निर्धारित करते हैं। हम कॉलम फील्ड की वैल्यू 2 बढ़ाकर सूचना पत्र डॉक्यूमेंट के लिए 2 कॉलम्स चुनेंगे। कॉलम फील्ड के बगल में 5 आइकन्स आपको विभिन्न उपलब्ध प्रारूपों का प्रीव्यू दिखाते हैं। अतः दूसरे प्रारूप पर क्लिक करें। बाकी अन्य वैल्यूज जो कॉलम्स की विशेषता परिभाषित करते हैं उन्हें डिफॉल्ट रखते हैं और ओके बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट क्षेत्र में 2 कॉलम्स प्रदर्शित होते हैं। अपने पहले कॉलम में एक लेख लिखते हैं। हम मोटे अक्षरों में फॉन्ट साइज 15 के साथ इसका शीर्षक नेचर देंगे और इसके नीचे हम इस पर एक लेख लिखेंगे। आप देखते हैं कि पहले कॉलम के अंत पर पहुंचने के बाद कर्सर स्वतः ही अगले कॉलम में चला जाता है। आप इस कॉलम में चित्र भी प्रविष्ट कर सकते हैं और इसका साइज फिर से बदल सकते हैं जिससे कि वह कॉलम में सही बैठ जाए। अब कुछ स्पेसेस छोड़ने के बाद आप कॉलम में एक और लेख लिख सकते हैं। अतः हम पहले मोटे अक्षरों में फॉन्ट साइज 15 के साथ इसे एक शीर्षक स्पोर्ट्स देंगे और इसके नीचे हम इस पर एक लेख लिखेंगे। अतः आप देखते हैं कॉलम्स इसे पाठक के लिए कई लेखों पर जाने के लिए सरल बना देता है। कुछ वाक्यों को मिटा देते हैं जिससे कि हमारा लेख पहले कॉलम में ही बैठ जाए। फिर आगे के कॉलम्स तक पहुंचने के लिए इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और फिर मैनुअल ब्रेक पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो दिखता है उसमें कॉलम ब्रेक बटन पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि कर्सर अगले कॉलम में स्वतः ही आ जाता है। अतः आप इस कॉलम में एक और लेख लिखना शुरू कर सकते हैं। सभी संरूपण ऑप्शंस जैसे अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर जोड़ना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना और कई सारी विशेषताएं टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती हैं। उदाहरणस्वरूप हम टेक्स्ट के भाग को चुनते हैं जिसमें हम पृष्ठभूमि रंग लागू करना चाहते हैं। अब टूल बार में बैकग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करें और फिर ग्रीन 4 क्लिक करें। हम देखते हैं कि चुनित टेक्स्ट का पृष्ठभूमि रंग हल्के हरे में बदल गया है। इस प्रकार से आप टेक्स्ट के विभिन्न भागों को विभिन्न पृष्ठभूमि रंग दे सकते हैं, यहां तक कि आप ड्राइंग टूल बार में टेक्स्ट ऑप्शन पर पहला क्लिक करके सूचना पत्र में बैनर भी जोड़ सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी रखें जहां लिखित टेक्स्ट ना हो। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि बैनर या विज्ञापन की तरह कार्य करेगा। अतः कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे दिस इज अ न्यूज़लेटर। आप इस टेक्स्ट में इफेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। उदाहरणस्वरूप पहले टेक्स्ट पर दायां क्लिक करें और फिर मेन्यू में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें टेक्स्ट और टेक्स्ट एनिमेशन नामक टैब्स हैं। टेक्स्ट एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। इस टैब के इफेक्ट्स फील्ड में कई सारे ऑप्शंस हैं।
सूचना पत्र में टेक्स्ट को जगमगाने के लिए हम ब्लिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अंततः ओके बटन पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि टेक्स्ट दिस इज अ न्यूज़लेटर डॉक्यूमेंट निरंतर जगमगा रहा है। उसी प्रकार से टेक्स्ट पर ऐसे ही विभिन्न चित्रालेख और इफेक्ट्स दिए जा सकते हैं। अब अगले पृष्ठ पर नया लेख लिखने के लिए आपको पहले इंसर्ट बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है और फिर मैनुअल ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें पेज ब्रेक बटन पर क्लिक करें और अंततः ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि कर्सर अगले पेज पर आ जाता है। इस पेज में वही कॉलम प्रारूप है जैसा पिछले पेज में था। अपने लेख में शब्द गिनती को रखने के लिए पहले अपने टेक्स्ट का भाग या पूरा डॉक्यूमेंट चुनें। अब मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स में वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आपको वर्तमान चुनित और साथ ही पूरे डॉक्यूमेंट की शब्द गिनती बताता है। यह आपके पूरे डॉक्यूमेंट और साथ ही चुनित टेक्स्ट के पूरे अक्षरों का जोड़ भी दर्शाता है। वर्तनी जांच स्वतः ही कर सकते हैं जब डॉक्यूमेंट लिख रहे हो। टूल बार में ऑटो स्पेल चेक आइकन पर क्लिक करें। अब जब लेख लिख रहे हो यदि यहाँ कोई वर्तनी की गलती हो तब राइटर स्वतः ही शब्द को लाल रेखा से रेखांकित करके प्रदर्शित करता है। उदाहरण स्वरूप जब हम शब्द कैट को सी ए ए टी की तरह लिखते हैं और स्पेस बार दबाते हैं हम देखते हैं कि उसके नीचे एक रेखा प्रदर्शित होती है, किंतु जब हम शब्द को सही करते हैं लाल रेखा गायब हो जाती है। अतः हम देखते हैं कि सभी संरूपण ऑप्शंस जिनकी हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में चर्चा की थी उन्हें हम सूचना पत्र में भी लागू कर सकते हैं। अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आते हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि लिबर ऑफिस राइटर में सूचना पत्रों को कैसे बनाएं और कुछ कार्य जो उन पर कर सकते हैं कैसे करें। निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध वीडियो को देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।